नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सावन के दूसरे सोमवार पर प्राचीन नर्मदेश्वर महादेव मुल्ला भीरी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जनपद सीतापुर के पिसावा क्षेत्र में सावन महीने के दूसरे सोमवार को मुल्ला भीरी गाँव में स्थित शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहाँ पर श्रद्धालुओं ने उत्साह की लहर दिखी और काफी भीड़ भाड़ का माहौल बना रहा। इस अवसर पर शिव की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भारी भीड़ भाड़ का नजारा शिव मंदिर पर दिखाई देने लगा। इस दिन लोग शिवलिंग पर जल व दूध बेलपत्र धतूरा चढ़ाने से शिव भक्तों को मनोकामना पूर्ण होती है। मौके पर पहुंची मीडिया प्रभारी नंदिनी कश्यप ने शिव मंदिर का पूरा नजारा अपने कैमरे में कैद किया और साथ ही डीडी टुडे न्यूज चैनल से पिसावा ब्लॉक रिपोर्टर संदीप कुमार राठौर मौजूद रहे। इसकी सुरक्षा व्यवस्था पर वैश्विक महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए मंदिर बंद होने के कारण पिसावा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने नई तकनीक का इस्तेमाल कर श्रद्धालुओं द्वारा दूध व जल अभिषेक किया जाता है। वहीं मंदिर बंद होने की वजह से लोग ऐसा नहीं कर पाते, जिसके लिए पिसावा थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने 15 फीट लोहे की प्रणाली बनवा कर लगवा दी है, जिसे मंदिर बंद होते हुए भी श्रद्धालुओं द्वारा जल व दूध का अभिषेक किया जा सके। प्राचीन मंदिर नर्मदेश्वर महाराज मुल्ला भीरी स्थान पर हजारों दूर दराज के श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। वहां हर समय करीब दर्जनों तक रामचरितमानस का पाठ हुआ करता है और वहां के श्रद्धालुओं ने बताया कि यहां की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिरों में हजारों की तादाद में घंटी और घंटे बंधे हुए हैं। भक्तजनों का कहना है कि जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, लोग अपनी मनोकामना के अनुसार घंटी घंटा बांधते हैं। यहाँ पर बहुत दूर से लोग आते जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के जयकारे सुबह से गूंजने लगे। पिसावा से संदीप कुमार राठौर की खास रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टुडे न्यूज़।